धार जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मन मर्जी से चलती हुई नजर आ रही हैं और मन मर्जी से ही आंगनबाड़ी को वह संचालित कर रही हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप आश्चर्य करेंगे कि तीन भवन बनने के बाद भी रोड पर प्रदर्शित किया जाता है इस क्षेत्र को, वहीं टीन शेड में ही आंगनबाड़ी संचालित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जाने से मना कर दिया जाता है और उच्च अधिकारियों को गुमराह करने की पूरी साजिश रचते हुए इसे बदनाम किया जाता है। यहाँ बच्चों को रोड पर बैठाकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि मुझे आंगनवाड़ी संचालित करने को भवन नहीं दिया गया। दरअसल आंगनवाड़ी भोजन बनाने वाली सहायिका मनीषा सेन के पति का निधन हो गया था और हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार सवा महीने तक घर से बाहर निकलने की अनुमति उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार नहीं है। फोन लगाकर महिला आंगनवाड़ी संचालिका संतोषी गुप्ता ने कहा कि अगर तुम काम पर नहीं आओगे तो तुम्हारी जगह कोई और को रख लेंगे और उसकी मजदूरी तुम्हें देनी होगी, वहीं मैं कोई काम नहीं करूंगी, अगर मुझे काम करना पड़ा तो अच्छा नहीं होगा और मजदूरियों को पैसा भी तुम्हें ही देना होगा। पहले मुझे तीन सेट में रूम नहीं मिला था, इसलिए मैंने होटल पे चलाई और अब मुझे रूम मिल गया, इसलिए मैं तीन सेट में शिफ्ट हो गया। आपकी सहायिका का ये कहना है कि मेरा पति शांत हो गया था और सवा महीने तक मैं नहीं आ सकती, मुझे नहीं मालूम, मेरे से नहीं ली थी छुट्टी, वो सुपरवाइजर मैडम जाने और मैं बीमार होने से मैंने 5 दिन तक मैंने दूसरी लेडी से काम करवाया, उसको पैसे मैंने मेरे जेब से दिए। मैंने मैडम से छुट्टी ली थी सवा महीने की, तो ये मैडम का कहना पड़ रहा है, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं आंगनवाड़ी नहीं आ सकती, मेरी तबीयत भी खराब थी और तुम्हारी अजीब शांत हो गई लेते, तो इन्हें कहा कि इसको बोला कि 50 रुपये रोज पे मैंने रोटी बटवाई, तुम दो पैसे, तो मैंने मना बोल दिया कि मैं कहीं को दूँ, मैं तो छुट्टी पे थी, तो उस पैसे मेरे से माता बच्चे करते। कितनी तनख्वाह मिलती है? 5,000 में सवा महीना करते हैं। हाँ।